भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा एक बार फिर उजागर हो गया है। दरअसल लाडली लक्ष्मी योजना और सामूहिक विवाह कराकर कन्या पूजन करने वाली भाजपा ने ही खुद एक बेटी को दलदल में धकेलने का काम किया है। दरअसल मामला रीवा जिले का है, जहां एक दहेज प्रताड़ना में आरोपी बनाए गए युवक ने 5 साल बाद आपको इंजीनियर बताकर युवती के परिजनों को धोखा दे रहा था। इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत दूल्हा बारात लेकर पहुंचे तो युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया। हद तो तब हो गई जब मामला थाना पहुंचा तो रीवा भाजपा जिले मीडिया प्रभारी रहा रितेश मिश्रा मीडिया कर्मी और पुलिस वालों पर ही दबाव बनाकर कार्यवाही करने पर बाधा पैदा कर दिया। बताया जाता है कि नेहरू नगर में रहने वाले रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर नागेंद्र मणि मिश्रा का बेटा पीयूष मिश्रा दहेज प्रताड़ना में जेल जा चुका है। जो दूसरी शादी करने जा रहा था वह भी जब बारात लेकर पहुंचा तो खुद नशे में धुत था, जिनके द्वारा जमकर नशे में उत्पात मचाया गया। इतना ही नहीं, खुद दूल्हा भी शराब के नशे में धुत था, जिसे देखकर युवती ने शादी करने से इनकार कर दिया और पूरा भंडाफोड़ हो गया। जब लड़की वालों ने दहेज में दिए गए सामान नकदी और खर्च की मांग करने लगे और पुलिस को सूचना दी तो मीडिया प्रभारी रितेश मिश्रा पुलिस पर दबाव बनाते हुए मीडिया कर्मियों पर भी खबर रोकने का प्रयास किया। बताया जाता है कि शादी तय करते समय आरोपी पीयूष अपने आप को इंजीनियर बताया था, जबकि वह इंजीनियर नहीं है। आपको यह भी बताते चले कि इस परिवार का महिलाओं को प्रताड़ित करने का लंबा इतिहास रहा है। रितेश मिश्रा के पिता नागेश्वर मिश्रा अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में पदस्थ रहते फेलोशिप करने वाली छात्रा को सेक्सुअल हैरेसमेंट किया था, जिस मामले में उन्हें निलंबित किया गया था। वहीं अब दूसरा मामला सामने आया है, जब उन्हीं के भाई का बेटा जो महिला को प्रताड़ना देने के बाद अब दूसरी महिला को शिकार बना रहा था। देखने वाली बात यह है कि मामला उजागर होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ऐसे महिलाओं के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों पर कोई कार्यवाही करती है, यह मामला निपटा दिया जाता है। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित और समाज सेवी के साथ पुलिस अधिकारियों को उनका क्या कहना है। क्या मामला हुआ, कैसे शादी होता है? नाम है लगभग 1-2 माह से चल रही थी। लवरीज के प्यासी के माध्यम से चर्चा उत्पन्न हुई थी शादी की, जिसमें बेफसली हुआ कुछ, लेकिन कुछ नशे की बात आने रही, इसमें संदेह उत्पन्न हुआ। बताया जा रहा है कि दूल्हा जो शराब के नशे में कई बात भी मचाने लगी। जैसे बारात आई दुबरा शहर में, तो लड़का बैठा डगमगा रहा था, तो तभी हम लोगों ने विशेष रूप से शंका उसमें दिया। थोड़ी देर में बैठ करके उठ करके चल दिया और फिर बड़ी देर में आया। फिर भी कार्यक्रम द्वारा शहर का संपन्न हुआ, फिर जयमाला में गया, वहाँ भी कुछ उल्टी पुलटी गलत शब्दों का प्रयोग, मतलब लेन देन हमको ऐसा नहीं दिया, वो नहीं दिया, इसलिए वो लड़की नाराज होकर के खुद माला तोड़ दी। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी क्या? तो तलवार निकालने लगे भाई, तलवार डालता था वैसे, फिर डालता था। पुलिस में भी मामला दर्ज करवाया, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज आवेदन दिए हैं, आवेदन 100 नंबर लेकर लगाया था। अब क्या चाहते हैं आप? आप क्या चाहते हैं आगे? हम शिक्षा क्या चाहते हैं आगे? मामले को हम चाहते हैं आपस में निपट जाए। क्या नाम है आपका? हमारा घर पर से लेन देन मतलब हुआ है। नाम क्या है आपका? बच्चे कहाँ से शादी लगाई थी आपने बच्चे की? नेहरू नगर नागेंद्र मणि मिश्रा। लड़के क्या नाम था? पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या आपके? पीयूष मिश्रा। बच्ची का नाम क्या? बच्ची का क्षमा। ठीक है, तिवारी अगस्त क्रांति मंच संयोजक हूँ मैं। क्या घटना हुई इस बार आधार पे? नशे के दुष्परिणाम से
जो है उसका जीता जाता उदाहरण है। यहाँ कल एक बेटी की शादी होनी थी, ठीक, और जो दूल्हा था वो नशे में धुत था और जयमाल के वक्त उसने उस कन्या के साथ, उस बहन के साथ बदतमीजी की और जिस कारण से आहत होकर उस बहन ने शादी करने से मना किया। और अब जो लड़की के माँ बाप हैं और परिजन हैं वो चाहते हैं कि जो हमारा नगद दिया हुआ है, बाकी जो खर्चे हुए वो तो बहुत ज़्यादा हुए, आप भी इस महंगाई में समझ सकते हैं कि माँ बाप कितना खर्च करते हैं, तो जो नगद खर्चे थे उस पर दोनों पक्षों की सहमत हो गई है। इसमें धन्यवाद एसपी साहब को देना चाहता हूँ, परिजनों ने आज सुबह जैसे मेरे से संपर्क किया मैंने तत्काल फोन लगाया एसपी साहब। कहाँ के रहने वाले थे लड़की और लड़का पक्ष? लड़की पक्ष हैं पहिल पार के शिक्षक हैं और लड़का पक्ष हैं सूरा के, रीवा नेहरू नगर में घर बना है, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं वो पिछला वर्ग किसी विभाग से, एक लेख सभ्य समाज और सभ्य लोग हैं, लेकिन लड़का जो है नशे का ऐसा आदि है कि शादी जैसे जो पवित्र बंधन का दिन था उस दिन भी वो नशे की लत से बाहर नहीं आ सका, जिसके कारण ये घटना हुई है। और नशे का दुष्परिणाम जैसा अगस्त क्रांति मंच निरंतर बताता आ रहा है, चिल्ला रहे हैं, हम सब जनजागरण चलाए हैं, आप मीडिया के साथियों के साथ भी मिलके उसका दुष्परिणाम यहाँ दिखा है। लेकिन आज की घटना में लड़की पक्ष को जो न्याय मिला है उसके लिए आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे आप मीडिया के साथियों को पता चला वो भी तत्काल पहुंच गए और सबका उद्देश्य था कि लड़की के जो परिजन हैं और जो उन्होंने नगद दिया है वो राशि उनको मिल जाए, उनका भी कोई उद्देश्य नहीं है। पुलिस को सूचना दी गई थी, पुलिस भी यहाँ पहुंची, पुलिस को सूचना दी गई थी। क्या कहा पुलिस ने? पुलिस का भी ये था कि अगर आप आपस में समझौता कर लेते हैं तो आगे केस नहीं, और दोनों पक्षों ने आपस में समझौता कर लिया है और जो लड़की पक्ष ने सामान दिया था वो और जो उनका नगद राशि थी वो भी देने को तैयार हो गए हैं। आशियाना मैरिज गार्डन में एक शादी थी, उसमें जानकारी प्राप्त हुई कि दूल्हा शराब पिए हुए था, अभद्रता कर रहा था, उस बात की शिकायत लड़की पक्ष ने की थी और लड़के पक्ष ने भी आवेदन दिया कि शादी नहीं हो रही है। अब वर्तमान में जानकारी प्राप्त हुई है दोनों में आपस में कम्प्रोमाइज हो रहा है और शादी संभवता नहीं कर रहे हैं। आप भी पहुंचे थे मौके पर? हाँ, स्टाफ गया था, रात में भी स्टाफ गया था, छह नंबर भी गई थी। किस तरह का संदेश थे? निर्मित ना हो पाए इस बात का प्रयास पुलिस ने किया। परिजनों का आरोप है सर कि दूल्हा दारू पीते स्टेट में नाटक कर रहा, बात मचा रहा। हाँ, ये बात जानकारी आई कि कुछ ड्रिंक किए हुए था जिस पर से लड़की ने शादी करने से इनकार कर दिया। क्या समझौता हुआ सर दोनों बच्चों के बीच में? ये आपस में समझौता चल रहा है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत, राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माशा सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।